हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, साइन 22/2 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है मेरा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस किस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट फार्मूला है 1 - cos 2x। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कहती है किसके बराबर होता है, 2 sin²x। फार्मूला होता क्या है, यानी कि मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ। हाँ जी, इस फार्मूले को कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल क्या था, 2x था, और यहाँ पे एंगल क्या हो गया, x हो गया, यानी कि एंगल का हाफ करना है मुझे। सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं आपसे पूछूं 1 - cos x का फार्मूला क्या है, सेम जैसे ऊपर किया है 1 - sin², यहाँ पे 2x था, यहाँ पे क्या बच गया, x, यहाँ पे x है तो इसका हाफ होएगा, x/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे कोई भी फार्मूला पूछ लूँ, 1 - cos 3x का फार्मूला क्या बन जाएगा, एंगल का हाफ ही तो करना है हमें, 3x/2। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो 4x/2 क्या होता है, 2x। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से इस फार्मूले को याद करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, 1 - cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin²x। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊँ, यहाँ 1 - cos 2x, ये इसके नीचे आ गया और इधर क्या बच गया, sin²x। ठीक है दोस्तों, और दोनों तरफ रूट कर दूँ मैं, अगर दोनों तरफ रूट कर दूँ, स्क्वायर से रूट कर देगा, तो हाँ जी sin x = किसके बराबर आ जाएगा, 1 - cos 2x/2 का रूट। एक फार्मूला मेरे पास ये बन गया, मैंने इसी से ड्राइव किया फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला ये, तो हाँ जी sin x = किसके बराबर आ गया, 1 - cos 2x/2 का रूट। आइए दो फार्मूले और यूज़ होंगे, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस था, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, 1 + cos 2x, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos²x। ठीक है दोस्तों, सेम बीच में प्लस आया तो कोस स्केयर बन गया, एंगल का हाफ होएगा, सेम। ठीक है दोस्तों, सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं आपसे पूछूं 1 + cos 3x, सेम आपको करना है, एंगल का हाफ ही करना है बस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझा होगा। सेम जिस तरह से इस फार्मूले को ड्राइव किया ये आ गया, सेम इस फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे तो इस फार्मूले का कोस एक्स क्या बनेगा, आप सेम प्रोसीजर करना है, तो बन जाएगा 1 + cos 2x/2 का रूट। तो ये चार फार्मूले यूज होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, मेनली ये और ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मुझे sin 90° की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं sin 2 = 44 और एक 45 / 2 डिग्री लिख सकता हूँ। तो हाँ जी, अब हाँ जी, ये साइन एक्स है, ये इस सारे को एक्स मान लो, 45/2 को क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं sin 45/2। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग sin x = इसके बराबर होता है, फार्मूला रख दो, 1 - cos 2 × एक्स की वैल्यू क्या, 45/2 और सारे 1/2 और उसका रूट, इसके साथ ये कट गया तो क्या बच गया, 1 - cos 45° और 2 और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, 2 और सारे का रूट। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, √2 LCM आ गया, तो अंदर क्या बन गया, √2 - 1/√2 और ये घूम के ऊपर चल जाएगा तो 1/ हो जाएगा, 1/√2 और इस सारे का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इसकी रेशनलाइजिंग कर देते हैं, √2 - 1/√2। हाँ जी, 2√2 यहाँ बन गया और 2√2 यहाँ बन गया। आई होप आपको पता है रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके क्योंकि ये अलग है, ब्रैकेट में है सारा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 √2 होता है और 2 * 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ बन गया 4 और माइनस के 2√2। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, 2 * 2 = 4 और √2 √2 दो होता है, 4 * 2 = 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, 2 ऊपर यहाँ से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, 2 - √2 / 8
और सारे का स्क्वायर रूट है, ये बन गया चार यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू माइनस के रूट टू बटे चार का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, टू माइनस रूट टू का स्क्वायर रूट और नीचे चार का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है चार का स्क्वायर रूट क्या होता है, दो होता है, टू माइनस रूट टू बटे में टू। हाँ जी, ये आ गया, और ये क्या है, ए। तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कोस 22 है एक बटे दो डिग्री। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है इसका, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसको ठीक करके लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे 45 बटे दो डिग्री। जैसा इनका फार्मूला ये है और कोस का फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, कोस 45 बटे दो डिग्री। आइए करते हैं, वन प्लस में कोस, एक्स की जगह पर ये है टू एक्स और बटे में क्या है दो, इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करके आ गया वन प्लस कोस 45 डिग्री बटे दो का रूट। ठीक है दोस्तों, कोस 45 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन बाय रूट टू और इसका रूट। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वो स्टेप फॉलो करना है। हाँ जी, रूट टू का एलसीएम ले लेंगे, तो रूट टू प्लस वन बटे रूट टू और ये घूम के ऊपर आ जाएगा, तो वन बाय टू इस सारे का रूट। हाँ जी, अब क्या करना है, जो ये नीचे ऐसे आ जाएगा ना, टू रूट टू आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया था, इसकी रेसलाइजिंग की थी निचले वाले फैक्टर की, टू रूट टू बटे में टू रूट टू। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था, आइए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू क्या होता है टू और टू टू फोर, फोर बन जाएगा, फोर प्लस टू रूट टू और नीचे क्या बन जाएगा, दो और दूनी चार और रूट टू दो, चार दूनी आठ, ये हो जाएगा। ऊपर से दो कॉमन ले लेंगे क्योंकि दो यहाँ भी है और दो इसमें भी है, दो क्या बन जाएगा, दो प्लस में रूट दो और बटे आठ और इस सारे का क्या स्क्वायर रूट है, चार आ गया। ठीक है दोस्तों, अब रूट को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो क्या क्या, दो प्लस रूट दो और बटे में चार का रूट। ठीक है दोस्तों, और चार का रूट क्या होता है, दो होता है, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, बटे दो। ठीक है दोस्तों, ये आ गया और ये क्या मेरा ए, तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास साइन 7 से 1/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं दो फार्मूला का यूज़ करता हूँ, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 7 × 14 = 15/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, हाँ जी, एक्स की वैल्यू का 15/2, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 15/2 डिग्री, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कोस 2, एक्स की जगह पे क्या है 15/2 बटे 2 और इसका रूट। इसके साथ ये कट गया, तो क्या आ गया, 1 माइनस के कोस 15 डिग्री बटे 2 का रूट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एंगल क्या, 15 डिग्री। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल क्या था, 45 डिग्री आया था, और 45 डिग्री की वैल्यू मुझे पता थी क्या होती है, 1/√2, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू मुझे याद नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँगा और इसमें पुट कर दूँगा और इसको सॉल्व करके आएगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 माइनस के कोस 15 डिग्री बाय 2 का रूट। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या निकालनी है, कोस 15 डिग्री की वैल्यू, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कोस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको 45 माइनस के 30 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कोस 45 की वैल्यू पता है और कोस 30 की वैल्यू पता है। हाँ जी, और इसका फार्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का, अगर आपको याद है इसका फार्मूला होता है कोस ए कोस बी। ठीक है, कोस ए कोस बी, ठीक है दोस्तों, प्लस में साइन ए और साइन बी। आई होप आपको इसका फार्मूला याद होगा। ठीक है दोस्तों, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, सबको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या, कोस 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है दोस्तों, आइए पुट करते हैं। हाँ जी,
वन माइनस के कोस 15 डिग्री की वैल्यू ये आई है, अभी सॉल्व करके दिखाई है मैंने, ये और बटे में 2√2 और बटे 2 इस सारे का क्या स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, हाँ जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे चला गया 2√2 और माइनस, हाँ जी ये आएगा। अब बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये नीचे घूम के क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस सारे का क्या स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो ये क्या बन गया 2√2 माइनस के रूट 3 माइनस 1 बटे में 2 × 4√2 और सारे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आप क्या करना है, 4√2 को रेशनलाइजिंग कर दो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है दोस्तों, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई हम। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ जी ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 4 × 8 और 2√2 क्या होता है 2 होता है, 8 × 16 हो जाएगा माइनस के। ठीक है दोस्तों, हाँ जी ये हो जाएगा 4 और √2 और √3 क्या होते हैं 6 माइनस के 4√6। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मन के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 4√2 बटे में क्या आ गया 4 × 16 और √2 क्या होता है 2 होता है, 16 × 2 = 32 और इस सारे का क्या मेरे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब करना क्या आपको, ऊपर से 4 हर एक में 4 क्या ले लो, कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे 4 माइनस के रूट 6 माइनस के रूट 2 बटे में 32 और सारे का स्क्वायर रूट है, हाँ जी कितने पे गया 4 × 8 = 32। ठीक है दोस्तों, इसको अलग अलग करके लिख लो ऐसे और नीचे 32 का रूट। ठीक है दोस्तों, सॉरी नीचे 8 का रूट, 8 बचा ना यहाँ पे, और 8 के रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, 8 के रूट को 2√2 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 × 8 8√ ही आएगा, तो 8√ को लिख सकता हूँ मैं 2√2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, और ये क्या है मेरा ए, तो मेरा ए क्या जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।